आईपीएल के पहले राउंड का जब अनाउंसमेंट हुआ था कब कहां कौन से मैच होंगे, मैं अगर किसी एक मैच के लिए बहुत एक्साइटेड था वो था आज का मैच गुजरात वर्सेस पंजाब। जब ये मैच रियल में हो रहा होगा तो मैं अभी के हिसाब से प्लान के हिसाब से मैं स्टेडियम में बैठ के ये मैच देख रहा हूँगा क्योंकि टिकट ले लिया है मैंने। एंड लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस आईपीएल के पहले लीग मैच का, मैंने लास्ट टाइम फाइनल देखा था। बाकी लेट्स सी मैच की बात करें तो भाई अभी तो स्टार्टिंग है टूर्नामेंट का, एक मैच का फर्क, एक जीत और हार का फर्क है, दोनों टीमें जीटी रैंक में ऊपर है, पंजाब पीछे है 3-1, 3-2। टॉस टाइम के लिए जा रहे हैं और आज मैंने थोड़ा सा कस्टम सेटअप मारा है, मतलब पिच सेटअप में कस्टम मारा है। दूसरी बात, पंजाब का ये फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है क्रिकेट 24 में प्रॉपरली, नई जर्सी अपडेट आने के बाद ऑफिशियल। टॉस जीत लिया है, हम गुजरात बने हैं, वो भाई मैंने टीम सिलेक्शन का जो रूल होता है उस हिसाब से किया। एंड प्लीज़ जो भी लोग यार देख रहे हैं ना वीडियो यार लाइक कर देना, वो देखो मैं बैठा हूँ उधर ऊपर वाले में। लेट्स गो, मैच का रिजल्ट, अरे टॉस का रिजल्ट आ चुका है, हमारी फर्स्ट बैटिंग आई है। थोड़ा सा अलग सिनारियो रोज के कंपेरिजन में, मैं जहाँ चेज कर रहा था आज डिफेंड करने वाला हूँ। शुभमन गिल एंड रिद्धिमान साहा इज कमिंग फॉर द बैटिंग, बाकी ये देख सकते हो आप शिखर धवन तैयार है कप्तान चेयरअप करवाते हुए, और अर्शदीप सिंह पंजाब का भी कैप्चर हो चुका है, मतलब पंजाब का विजाग विशाखापट्टनम स्टेडियम जो नई नई चीज़ें आने वाली हैं इस बार वो सारे कैप्चर क्रिकेट 24 वालों ने कर लिए हैं। लेकिन क्रिकेट 24 की टीम अब ऑस्ट्रेलिया जाएगी 2-3 दिन के बाद, उसके बाद काम चालू होगा अपडेट पे। पहली गेंद बाउंसर है, हम प्रिपेयर थे, थोड़ा और बेहतर शॉट जा सकता था, बेहतर दिशा में जा सकता था, गया गली में से एक रन देता हुआ। अरे कुछ भी कर लो यार, 119/6 थोड़ी ना अच्छी सिचुएशन है। और पहला शॉट में भी बहुत गड़बड़ दिखती हुई, एक रन आया है 120/6, मिल्लर से उम्मीदें होंगी, बट ये बहुत ही बेकार इनिंग है। और भाई एक चीज़ मुझे, मतलब अच्छे कहूँ या बुरे करूँ कहूँ समझ नहीं आ रहा, बट इस गेम में रैंडमनेस है एटलीस्ट। WCC3 में भी थोड़ी बहुत थी, 2 में भी थी, बट 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, डेविड मिलर है, आज फिर वो दिक्कत हो रही है जो लास्ट टाइम रिंकू सिंह के साथ हुई थी। जिन लोगों ने लास्ट गेम प्ले मिस कर दिया, रिंकू मैजिक देखना हो तो लास्ट मैच देख लेना। डेविड मिलर फिर से और बेहतर, अच्छा इंतजार करके खेलने का फ़ायदा मिला है हमें, 6 रन। और बस ऐसे आप 190 तक पहुँचा दो, एटलीस्ट वन साइडेड ना हारूँ मैं, और 200 मार लेते तब तो मज़ा आएगा फिर। और शतक के भी बहुत करीब, एंड यस द स्ट्रेटजी इज वर्किंग वेरी वेल, वेट करो एंड हिट करो। एक और 6, अर्धशतक तक मिस कर दिया क्या मैंने, कोई फर्क नहीं, इस गति को रोकना नामुमकिन है। सैम करन को पड़ता हुआ एक और मैक्सिमम, अब ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल डेविड मिरर, अब मिलर, ठीक है डबल 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 डबल, आएंगे 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 आएंगे, बेहतर है रनिंग में, फील्डिंग में बहुत गड़बड़ी। ये इंटरेस्टिंग होगा, शशांक सिंह को लाया गया, पुल किया मैंने, शॉट गैप में मारा है, तेज गति से किया था, लॉफ्टेड था एक्चुअली, फिर भी रुक गया। 3 तो बहुत 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 मुश्किल, अरे डबल आ गया वही बहुत बड़ी बात है। एक प्लस पॉइंट है कि ये पैरों पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और फ्लिक, इस बार भी गति है लगभग सेम ही तरीके से, इवन सेम से भी गए गुजरी, और देख लो भाई एक रन आया इस बार, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई डबल भी आ जाए तो बहुत है। फिर शॉर्ट पिच देंगे नहीं, इस बार यॉर्कर लेंथ रखी है, इनके साथ लॉफ्टेड, एंड लास्ट टाइम 2 एफर्ट्स यहाँ सिंगल डबल रहे थे, इस बार मैक्सिमम जाता हुआ। और हाँ मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ, रशीद ऐसी बैटिंग करते हैं, हम सबको पता है, ये करामाती खान बड़े शॉट्स के लिए भी जाने जाते हैं, T20 के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। एक और 6, हाँ ये बात अलग है कि आज बॉलिंग से नहीं बैटिंग से कमाल कर रहे हैं, और बॉलिंग तो बाकी है, वेट कर लेते हैं थोड़ा और, क्राउड कम आएगा भाई आज के मैच में, पंजाब है ना इतना बड़ा उसका फैन बेस है नहीं। लेट्स गो रशीद खाना, बट मैं जा रहा हूँ तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, एंड ये बाउंड्री मिलेगी, पिछले 2 शॉट्स ने जो कॉन्फिडेंस दिया था उसी को बिल्डअप करते हुए आखिरी गेंद पे 4। सैम करन को रिपीट कराया, गेंदबाज है नहीं क्या आपके पास, ये अभी भी यॉर्कर लेंथ ही गेंदबाजी करते हुए स्ट्रेट शॉट, और पार करेगा बाउंड्री एक बार फिर से, रोक किया है पार 6 रनों के लिए, रन रेट ऑलमोस्ट 10 का, ये ऊंचा है थोड़ा, दूरी इस बार उतनी अच्छी नहीं, हाथों में गया है सीधा, एंड जो बिग विकेट की तलाश कर रहे थे पिछले 3 ओवर्स थे वो मिल चुकी है। एक चीज नोटिस करने लायक है ड्रीम क्रिकेट 24 में, अब जो डगआउट है वो थोड़ा सा लाइव हो चुका है, वहाँ लोग बैठे होते हैं, बट इस गेम में अभी भी डगआउट एम्प्टी है। आई थिंक डेवलपर्स को कुछ प्लेयर्स को वहाँ बिठाना चाहिए, भले मूर्ति जैसा बिठा दो अभी के लिए, नियम के हिसाब से तो थोड़ा हिलता डुलता बिठाना चाहिए, बट अब जब नियत है नहीं इतनी करने की तो भाई आई थिंक एटलीस्ट बिठा ही दो, खाली डगआउट बहुत अजीब लग रहा है।
बाकी विकेट खो दिया है बिग प्लेयर मिलर गॉन। उमेश यादव 71 का रेटिंग, हेलमेट में से बाल बाहर आते हुए फ्लिक शॉट और ये था गुड शॉट बट हाथों में गया। भाई मत अब थोड़ा सबर दिखा दो। हरप्रीत ब्रार है गेंद के नीचे कैरी करते हुए एंड सैम करन की वापसी। सबसे ज़्यादा कोई खुश अगर होगा तो वो होंगे शिखर धवन अपने डिसीजन पे। आई थिंक सबसे सबको जवाब दे दिया है कि भाई मैं जो डिसीजन लिया हूँ वो सही है, सैम करन इज द बिग जैक जो सही हो गया है। एंड विकेट शून्य पे आउट हुए उमेश यादव। हैट्रिक मैंने अभी तक लेने नहीं दी, यॉर्कर का लालच दे रहे हैं भाई, गजब चालाक है। डबल नहीं नहीं बॉलर खुद ही जा रहा है, रुक जा, बच गया। फील्डर को आगे लाया लॉन्ग ऑन के, बट भाई मैं नहीं ले रहा रिस्क बिना मतलब दो, हाँ इस बार दो आएंगे। बग हर बार नहीं आता। स्ट्राइकर एंड पे नहीं दिया थ्रो, पे दूर दे रहे हैं गेंदे और रे बीट हुए मोहित। स्क्वायर कट ले रहा था बट बैक फुट मार रहे हैं, बॉल रन भी नहीं आए, रिस्क ले लें क्या? बैट से ही कनेक्शन नहीं, 5 रन के साथ ओवर समाप्त। सैम करन को एक और ओवर, बच गया पूरा पावर यहाँ पर, एफर्ट जो डाला था वो टाइमिंग के कारण बर्बाद हो गया। एक रन मिला है बट रशीद को मौका मिला है, चौक कर जाता है पंजाब। 190 विल बी द गुड टोटल, बहुत बढ़िया शॉट कट में 6 लगाते हुए। बड़े बड़े प्लेयर से ये शॉट नहीं लगता, रशीद के चेहरे की एक्सप्रेशन बता रहे हैं वो खुद सरप्राइज है इस रिएक्शन से गेंद के। सैम करन के लिए चिंता बढ़ेगी अब 4 गेंदों में। लॉफ्टेड गैप दिखा था और ये काम भी कर रहा है 4 रनों के लिए। फील्डर एफर्ट लगा सकते थे, देखो रियल लाइफ होती तब तो लगाते हैं बट ये रियल लाइफ है नहीं तो। और भाई बहुत गजब स्माइल दी है गेम में। रशीद ऑन द रोल, आसान नहीं, ओ कैच, कैच ऑफ द डे डेफिनेटली कह सकते हो आप। और इतना स्लो गेंद था ना, मतलब इतना स्लो मूवमेंट आया कि दिखा हमें फील्डर कैसे नजरें गड़ाया बैठा था और कैसे उसे जंप लगाया है। बढ़िया से एक बड़ा विकेट, लास्ट 2 गेंदों में भी 2 बड़े शॉट इस गेम के मूवमेंट चेंज कर सकते थे। और ये फर्स्ट पर्सन व्यू दिखता हुआ कैच का, शानदार कैच किया शशांक ने, एक बढ़िया पारी एंड किया रशीद की। 200 का मैजिकल फिगर नहीं आ रहा अनलेस, अरे यार इनका तो परफेक्ट के चक्कर में सब गड़बड़ हो जा रहा है, 2 दौड़ा रहे हैं जानबूझ के। 191 एक एवरेज स्कोर है अगर आप इस डिफिकल्टी में देखते हो जिस डिफिकल्टी में मैं खेलता हूँ। 200 के ऊपर हो जाता तो डेफिनेटली मैं कह सकता कि गुजरात के फेवर में है ये मैच, बट इस वक्त ये मैच मैं कहूँगा पंजाब के फेवर में ज़्यादा रहेगा अनलेस पहले 15 ओवर में चौक कर जाए, 4-5 विकेट गिर जाती है तो मैं कहूँगा फंस गई मैच। समरी आपके सामने, सबकी बैटिंग आई है जैसा मेरे गेम प्ले में होता है, बॉलिंग में 3-3 सिंह एंड करण। लेट्स बिगिन द रन चेस। जॉनी बेस्टो, मैं लास्ट टाइम बिल्कुल इनसे उम्मीदें खो दी थी लेकिन अच्छा खेले ये। शिखर धवन भाई बिग बिग फिश है ये आज के गेम प्ले की। उमेश यादव, अरे ये कैसा चेहरा हो गया, अरे ऐसा नहीं था पहले, अजीब हो गया जैसा लगा मधुमक्खी ने काट लिया हो। शिखर धवन आ चुके हैं और शिखर धवन को अजीब बनाया इसमें, शिखर धवन को भी इनसाइड एजिस में 4, कोई फर्क नहीं पड़ता है एजिस से। आधे घंटे बाद किसी को याद नहीं रहेगा पहली गेंद पे एजिस में 4 थे। 127/4 रशीद खान आते हुए गेंदबाजी में एंड 50 से बस 1 दूर है रन लियाम लिविंगस्टोन। 13 का रिक्वायर रन रेट AI के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये 13 का रन रेट, हमने जिस तरह से इनको बैटिंग करते हुए देखा है। ऊपर से एक विकेट में मिस कर रहा हूँ, 5 गिरी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। 50 पूरा गया पहली ही गेंद पे, सेलिब्रेट करता हुआ पंजाब कर और उनके फैंस। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इनको यही नहीं मालूम इनके 6 को कैसे रोक, अब इतना एफर्टलेस 6 मारोगे तो किसी के पास कोई रोकने का तरीका नहीं है। डगआउट के पार गई है गेंद, 6 रन एक और। स्पिनर या तेज गेंदबाज पता नहीं कौन होगा इस सिनारियो में सही, ये गलतियां करें तो मैं कुछ रिएक्शन दूं, बाकी ऐसे एफर्टलेस 6 मारेंगे तो फिर तो घुटने टेकने वाली नौबत है। फ्लिक वाला गेंद है ये, कहां से बैठ गया, स्क्वायर रखो यार अब हट। अब स्टंप क्रॉस गेंद, एजित भाई भाई कभी हमारा भी साथ दे दिया करो, गेम रोका है रन नहीं दौड़ रहा है पता नहीं क्यों, रन आउट होने का नहीं दौड़े ही नहीं। स्ट्राइक लेना है लिविंगस्टोन को एक बॉल पे, चलिए देखते हैं इस एक गेंद के स्ट्राइक जबरदस्ती लिया गैप में से 4 यार, 24 में 41 छोड़ा है मोहित भाई, अब आपके ऊपर यह सब कुछ, 24 में 41 है, क्रॉस से शुरुआत होगी भाई यार। कहा तो था भाई कि 200 मारो तो जाके कुछ हो सकता है,
19 ओवर में चेज है डन मेरे ख्याल से, तो बीट बीट बीट, और देख सकते हो बैट स्विंग देखो कितना तकड़ा घुमा रहे हैं। एंड मोहित इस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज स्टेट में तो फील्डर ही नहीं है, होता तो मारता भी नहीं है। ठीक है, 6 मार दिया है, उम्मीद करता हूँ अपर कट ना हो। पुल किया है, कहाँ जा रही है गेंद, पुल वाली मिड विकेट पर से 4 गया भाई, 20 में 25। थोड़ा सा अग्रेशन कम करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच में शायद, मेरे को लग रहा है। कटर ट्राई करते हुए, वाव जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, 6 फ्लिक, सैम करन 48 पे 20 गेंदों में। पीछे देख सकते हो शुभमन गिल का रिएक्शन, लिविंगस्टोन से भी ओपी खेल गए ये तो। अये ऊंची गेंद और ऊंची और दूरी लाजवाब, 50 पूरा किया है इस ओवर में, 18 गेंदें बाकी हैं एंड रिक्वायर्ड आई थिंक हो गए हैं अब 13 रन से। फर्क नहीं पड़ता स्पिनर को दो या तेज गेंदबाज को दो, आप कैच गया, फंस गया, आउट है, हल्का सा हिस्सा टच को हो गया ग्लव्स का। और देख सकते हो सैम करन का रिएक्शन, पंजाब को पता है कि 1 विकेट से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, 4 विकेट और गिर जाए तो ऑल आउट हो जाए, बट 13 रन है बाकी खाली, DRS थोड़ी ना लेंगे। बट हाँ, बहुत अलग तरीके का था ये, बहुत अलग, और रिएक्शन रिप्ले तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बॉलिंग का जो एक्शन था काफ़ी रियलिस्टिक। लियाम लिविंगस्टोन 66 पे आउट, अपना काम कर दिया इन्होंने। शशांक सिंह सेम शॉट, सेंटर ऑफ द प्लेयर्स, रोक लिया डाइव लगा के, रन फिर नहीं दौड़ रहे, क्या हुआ है रनिंग को, देखो कहाँ पर है बट दौड़ नहीं रहे। हाँ फील्डिंग में चेंज चाहते हैं, देखो फील्डिंग में तो मैं नहीं कर रहा चेंज, लेकिन कैच क्या, अरे थोड़ा 6 है भाई, 60 पूरा, सैम करन करेंगे फिनिश पूरा। रामाती खान चूक गए हैं थोड़ा सा, वो बोल तो रहा हूँ 6 मार रहे हैं वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जीत गई क्या, 15 में 6 बाकी, 18 बाकी था, अरे 13 बाकी था ना, यस भाई पंजाब किंग्स वन द मैच। एंड भाई मैं चाहता भी हूँ कि जीते पंजाब ये वाला मैच, बिकॉज द पीजेड विल बी देयर, अब पता नहीं होंगी कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, बट देखते हैं पंजाब जीतता है कि नहीं। बट दिस इज माई प्रडिक्शन, क्रिकेट 24 के प्रडिक्शन के हिसाब से पंजाब जीतेगा अहमदाबाद में, गुजरात को हराएगा उसके होम ग्राउंड में। आपको क्या लगता है भाई कमेंट कर दो, बाकी दिस इज इट, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में, व्लॉग भी बनाऊंगा अगर देखता हूँ कैसा रहता है, बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाने वाला हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी सैम करन मैन ऑफ द मैच ले जाते हुए, 66 दोनों ने बराबरी से खेला है, लेकिन विकेट 3 निकाले थे इस कारण से मिल रहा है। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड।